पिछले काफी दिनों से मेरे पास कंप्लेंट आ रही थी कि हमारे तहसील मंडी में काफी सारे जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो सही से अपनी जो ड्यूटी है उसको सर अंजाम नहीं दे रहे और टाइम से ऑफिस नहीं आते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आज मैंने यहाँ पर औचक निरीक्षण किया और उसमें जो मैक्सिमम ऑफिस थे काफी सारे ऑफिस जो मुझे को क्लोज मिले और इसके अलावा काफी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो थे वो अपने ड्यूटी पर नहीं मौजूद थे। तो उनके खिलाफ सबके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा। जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको सबको सस्पेंड किया जाएगा जो भी एब्सेंट मिले और जो छोटे मुलाजिम है उनको सबकी जो है पे रोकी जाएगी। क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी होती है कि अगर गवर्नमेंट से हमने सैलरी ले रहे हैं तो हमने उसको अपनी ड्यूटी भी ढंग से करनी है। सो ये फर्दर भी अगर इस टाइप की कंप्लेंट जो है आगे अभी आती रही तो उसके खिलाफ फर्दर भी एक्शन लिया जाएगा। अभी जो है मेरे यहाँ पे तहसीलदार साहब को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो मेरे को डेली रिपोर्ट देंगे कि 10:15 बजे तक कितने मुलाजिम हमारे आ चुके हैं। हो सकता है कि देखिएगा क्योंकि कई बार किसी रीजन से एक एम्प्लॉय 5-10 मिनट लेट भी हो जाता है उसको मैं नहीं काउंट कर रहा, लेकिन तब भी 10-15 तक सब एम्प्लॉय ने पहुंच जाना चाहिए अगर हमारा 10 बजे का ऑफिस है। इसके अलावा जो मैंने हेल्थ के भी कुछ इंस्टीट्यूशन चेक किए और वहां पर भी यही देखने को मिला कि काफी सारे मुलाजिम जो थे वो टाइमली नहीं अपने ऑफिस में पहुंचे हुए थे। देखिएगा मैंने जो सरपंच हजरात हैं उनको भी मैंने ये गुजारिश की कि जहां जहां अगर कहीं पे परसेंटेज मिलता है तो वो आगे भी मेरी नोटिस में लाएं और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलके अपने इलाके की तरक्की के लिए काम करें।